अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। संदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। रमजानुल मुबारक में भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात संदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें। खून की बीमारियों में मुब्तिला जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनके सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मोनू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आएं आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदर फाउंडेशन को देकर। इस रमजान बचाइए किसी बच्चे की जान। अस्सलाम वालेकुम, आफाक फारूकी नए प्रोग्राम साथ आपके सामने हूँ। मोदी यकीनन पाकिस्तान है, मगर अमेरिका से भी एक अच्छी खबर है, बड़ी खबर है, तो उसे भी शेयर करेंगे। मैं उस पर बात नहीं करूंगा कि ईरान इसराइल की जंग होने जा रही है और थर्ड वर्ल्ड वार के खतरात पैदा हो गए हैं। ईरान बेचारा या मुस्लिम ममालिक किस पोजीशन में, हमें उस पर जरूरत नहीं बात करने की कि छोटा मोटा कहीं कोई हमला होगा बात खत्म हो जाएगी। बड़ी खबर यह है कि जी बाइडेन ने एक बार फिर स्टूडेंट लोन में 7.4 बिलियन डॉलर जो है ना छोड़ दिए हैं, माफ कर दिए हैं। और जिसे कहा जा रहा है कि जनाब ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है, ऑब्वियसली इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है, ज़रूरतों तकाजों और मजबूरियों के फैसले होते हैं, ताल्लुक होते हैं, रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं। ज़िंदगी का हर रिश्ता ज़रूरतों ताल्लुक पे और मजबूरियों पे खड़ा हुआ है। यहाँ तक के कहने दीजिए कि ब्लड के रिश्ते भी एक नेचुरल टाइम के बाद जो है वो बस ज़रूरतों के ही मोहताज होते हैं। और सारी दुनिया में इकॉनमी का खेल है, अगर आपकी पॉकेट भरी हुई है, आप देने के काबिल हैं, आपका हाथ देने वाला है, तो दुनिया आपके गिर्द घूमती रहेगी। तो रियासती निज़ाम में इख्तदार के लिए तो ये बहुत छोटी सी बात है। जहन में रखें कि 1. मेरे ख्याल में 2 बिलियन डॉलर पहले भी माफ़ कर चुके हैं लोन में, स्टूडेंट लोन में। अच्छा, स्टूडेंट लोन जो है ना ये बिल्कुल ऊँट पे ज़ीरा जिसे कहते हैं ना, उससे भी गया गुजरा कह लें कि पीनट भी नहीं है। कि जो टोटल लोन है, स्टूडेंट लोन है जो अमेरिकन स्टूडेंट्स पे, जो 43 मिलियन लोग हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है और आबादी का 13% है, वो 1.727 ट्रिलियन है टोटल। मगर लास्ट ईयर 2023 में एवर इन द हिस्ट्री कहना चाहिए कि ये लोन कम हुआ है, इसका डेबिट जो है, और ये 1.602 ट्रिलियन तक चला गया। मतलब वो कोई 12-14 बिलियन डॉलर पहली बार तारीख में कम हुए हैं। तो उस पर बड़ा जो अपोजिशन है क्रिटिज्म कर रही है, क्रिटिज्म हो रहा है, और साथ में जो डेमोक्रेट हैं और जो जिनके लोन माफ हुए हैं तारीफें कर रहे हैं कि यकीनन जिसकी जेब से बोझ कम हुआ है और जिसको फ़ायदा पहुंचा है वो तो तारीफ ही करेगा। और मैं आपको ये भी कह दूं कि बाइडेन का हारना मुझे बहुत मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि उनकी पॉलिसियों ने इसराइल के हवाले से एक बहुत बड़े नंबर को हर्ट किया है। मगर वो पॉलिसियाँ वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं और दबाव बढ़ रहा है इसराइल पर जंगबंदी का। मगर ये ईरान और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है, अगर नई शिद्दत यहाँ तक जाएगा, मगर लेट्स सी। बहरहाल देखें, अब पाकिस्तान में तो बड़ी खबर जो बहुत अंदोहनाक है और बहुत ही तकलीफ दह है कि नौशकी में 9 पंजाबियों को एक बार फिर बसों से उतार कर बलूचिस्तान में मार दिया गया और शनाख्त करके मारा गया। गरीब गरीब को मारता है, कॉन्फ्लिक्ट में लड़ाई किसी से है, लड़ाई इशराफिया से होती है। तारीख ही बताती है कि ये गरीब गरीब का बड़ा दुश्मन है। ये बदला लेने के लिए भी, अमीरों से बदला लेने के लिए अपने लोगों को मारते हैं हमेशा से, अपने ग्रोह से, अपने कबीले से ताल्लुक रखने वाले। और गुज़िश्ता को 10 साल में मेरे ज़ाती ख्याल ये है, मेरे पास कोई फिक्र तो नहीं, कोई 400-500 पंजाबियों को बलोचियों ने इसी तरीके से मारा है। ये ताफ्तान जा रहे थे क्वेटा से, फिर उसी के अराउंड में एक और गाड़ी पर फायरिंग हुई और 2 लोगों को शनाख्त करके मारा गया। कुछ लोग कहते हैं कि गाड़ी नहीं रुकी इसलिए मारा गया। ये वजीराबाद मंडी भाव दिन गुजरावाला से ताल्लुक़ रखते थे, उनके जनाजे आ गए हैं।
اس میں دکھ کی بات جو ہے کہ ایک طرف سانحہ بہاولپور پر ابھی بھی بات ہو رہی ہے, میں اس پہ اب بات نہیں کروں گا کہ دیکھیں میں پہلے دن کہہ چکا ہوں کہ یہ قبیلے, یہ سوسائٹی, یہ قبیلہ بیس سوسائٹی, یہ مختلف, ایک تو پہلے ایک تو ٹرائبل سوسائٹی پہلے ہی ہے, کیونکہ اس میں بھی مختلف قبیلے ہیں, کون کتنا طاقتور ہے, اور جو سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ ہمیشہ 75 سال سے وہی پرویل کرتا ہے. لاکھ آج لوگ یہ کہیں کہ جناب معافی مانگنی ہوگی اور بھانڈا پھوٹ گیا ہے, فلانا ہو گیا ہے, پولیس کلچر سے بھی سب واقف ہیں. یہ پنجاب میں روز کے واقعات, کیونکہ پہلی بار تو نہیں ہوا ہے اور اس پہ کبھی کوئی سیریس ایکشن بھی نہیں ہوا, کسی نے یہاں تک کہ ڈسکشن بھی نہیں ہوتی کہ آخر ایسا ہے کیوں, یہ کون سی آزادیاں ہیں کہ ریاست جو ہے ہمیشہ سے ایک پولیس اسٹیٹ ہے, پھر فوج اسٹیٹ ہے. مختلف جو سب سے درد کی اور تکلیف کی بات ہے نا اس پورے واقعات میں, کہ وزیر داخلہ ملک کا عید پر مجموعی صورتحال پہ اطمینان کا اظہار کرتا ہے, جہاں سانحہ بہاولپور ہو چکا ہے, جہاں کراچی سے لے کر پشاور تک کئی شہری درجن بھر سے زیادہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں, جہاں درجنوں ڈاکو مارے جا چکے ہیں, پکڑے جا چکے ہیں, سانحہ نوشکی ہو جاتا ہے, سانحہ بہاولپور ہو جاتا ہے اور درجنوں, مگر مجموعی صورتحال بالکل درست ہے. مطلب یہاں مجموعی صورتحال خراب جب سمجھی جائے گی کہ جب گلی گلی لوگ دست و گریباں ہوں گے اور ایک دوسرے کے گھروں کو آگ لگائیں گے اور املاک کو لوٹیں گے, تب جا کے ان کو احساس ہوگا کہ ملک میں صورتحال امن و امان کی خراب ہے. جبکہ ایک طرف کراچی میں جہاں کبھی عید پر 60 سے 70 ارب روپے کا کاروبار ہوا کرتا تھا, تاجر اتحاد کونسل کہتی ہے کہ ٹوٹل 18 ارب روپے کا کاروبار ہوا اور 1.25 کروڑ آپ لوگوں نے, صرف 3.5 کروڑ کی آبادی میں سے 1.25 کروڑ لوگوں نے نیا سوٹ خریدا, عید کے کپڑے جو ہیں, اور اس کی ٹوٹل وجہ سیکیورٹی اور مہنگائی ہے. مگر ملک کا وزیر داخلہ بالکل مطمئن ہے, جو اس کی وجہ ہے نا کہ دیکھیں ہر جگہ یہاں پر مختلف جگہوں پہ محسن نقوی بیٹھے ہوئے ہیں, جو جہاں ہے وہ محسن نقوی ہے. محسن نقوی کا نام اس لیے آ رہا ہے کہ وہ سینیٹر بھی ہے, نگراں وزیر اعلیٰ بھی ہے, وہ پی سی بی کا چیئرمین بھی ہے, وہ ملک کا وزیر داخلہ بھی ہے, اور 4-5 وزارتیں اور بھی کہتے ہیں سائڈ میں ہیں, اور بقول رارا ثناء اللہ, کیونکہ اس کی مہربانی ہے کہ اسی پہ اکتفا کیا ہے, ورنہ وہ تو جو چاہے لے لے, بلکہ کہنا چاہیے آرمی چیف بھی بن سکتا ہے وہ وقت ضرورت. تو بات یہ ہے کہ یہ پورا ملک سیج ہو چکا ہے مکمل طور پر, مکمل طور پہ ایسا سیج ہے کہ اگر 2-4-6 واقعات ہو جائیں, 10 ہو جائیں تو لوگ بھی مائنڈ نہیں کرتے, اور ریاست تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ اس ملک میں آپ یہ دیکھیں کہ سارے بڑے شرافیہ کے جو سیگمنٹ آف سوسائٹی یا قبیلے جسے کہتے ہیں مل چکے ہیں, انکلوڈنگ میڈیا. دیکھیں میڈیا کا حال یہ ہے, یہ خبر بنتی ہے کہ مریم بیگم جو ہیں وہ ایکسپریس وے کے ذریعے مری پہنچ گئی, خبر میں رہنا چاہیے, کہیں پہ پولیس والے ان کا پورٹریٹ لیے کھڑے ہوئے ہیں, کہیں وہ بچوں کے ساتھ بیٹھی ہیں, کیونکہ میڈیا میں دکھانا ہے اور میڈیا یہ پرسپشن بناتا ہے کیونکہ وہ اس اشرافیہ کا حصہ ہے. اچھا میڈیا کا حال یہ ہے کہ ایک طرف تو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے دو جملے کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ سفوکیشن ہے کہ جو ضیاء الحق کے اور مشرف کے دور میں بھی نہیں تھی, ابھی تو 6 ججوں نے خط لکھا ہے, اگر صحافیوں نے خط لکھنے شروع کر دیے تو پوری دنیا میں قرآن مچ جائے گا. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ اس میڈیا کا جس دن بھانڈا پھوٹے گا صحیح معنوں میں, کہ اس کے کام ورکر سے لے کے مالک تک نے جو دولت بنائی ہے, جو اثر و رسوخ کمایا ہے, اگر وہ دنیا کے سامنے پیش ہو جائے تو لوگوں کو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ میڈیا نہیں تھا, یہ بیسکلی ایک بہت بڑا مافیا تھا جو ہر جرم کا شریک کار تھا, جو ہر جرم کا, کسی ایک کو گولی لگ جاتی کبھی تو وہ اسے دکھاتا پھرتا رہتا ہے, اور کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں 2 دن کے لیے تو وہ ہیرو بنا دیا جاتا ہے. اچھا سارے کے سارے رات کو اسی اشرافیہ کا حصہ ہوتے ہیں جس کے خلاف دن میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے چیف تھے, میرے اسپریچل مینٹور بھی کہیے نسیم شاد جرنلزم میں, وہ کہا کرتے تھے کہ دن میں افسر سے تمہارا اگر تعلق ہے نا تو سمجھ میں آتا ہے کہ تمہیں خبر چاہیے, مگر رات کو ان کی پرائیویٹ محفلوں میں بھی تم کھانے پینے میں شامل ہو نا تو تمہاری جرنلزم سمجھو ختم ہو گئی. اچھا یہ جتنے ملک کے بڑے نامور اینکرز ہیں, آپ ان کی شامیں
इनसे इनकी तन्हाई जाके शेयर कर ले तो आपको सब सामने पता चल जाएगा। ये कातलों को भी छुड़वाते हैं, ये जॉब्स भी दिलवाते हैं, ये थानों से डीलें भी करवाते हैं, ये प्रॉपर्टी टाइकून्स के साथ भी मिले हुए हैं। मतलब कौन सा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जहां जराइम हो रहे हैं, जहां इनका हिस्सा नहीं है? इनमें से एक बड़ी अक्सरियत, बहुत बड़ी अक्सरियत 20 साल पहले तक 10-15 हजार रुपये कमाती थी। अच्छा, पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपको तनख्वाह इदारा 30 लाख रुपए दे रहा है तो ये आपका हक बनता है कि वो, क्योंकि वो इदारा अगर 1 करोड़ रुपए कमा रहा है आपके एक शो पर और आपको महीने के 30 लाख दे रहा है तो जायज है, कोई गलत नहीं है। मगर आप वो जिस काम के लिए रखे गए क्या वो कर रहे हैं? या ये कह देना बहुत होता है कि वो मुझे वो वाक्य पता है, हाँ मुझे मालूम है, खैर जाने दे। भाई तुझे पता है ना, मगर तेरे अंदर हिम्मत नहीं है बताने की, और तू उन सब का हिस्सा, तू प्रमोट करता है सुबह शाम उनको। बात हो रही थी अभी ईद के प्रोग्राम में कि जी निज़ाम कैसे बदलेगा, उसी प्रोग्राम में निज़ाम बदला हुआ नजर आ रहा था। निज़ाम ऐसे बदलेगा कि कायम निशा की बेटी नफीसा शाह बैठी थी, अब उसे बिल्ड किया जा रहा है बहुत अच्छे से। शाह महमूद कुरैशी की का बेटा जैन कुरैशी बैठा था, अब उसे बिल्ड किया जा रहा है। निज़ाम बदल रहा है ना, कि बाप जा रहा है बेटा आ रहा है, बाप जा रहा है बेटी आ रही है। तो बात यह है कि ये उसी निज़ाम का हिस्सा है। अच्छा, एक एक घंटे के शो में बातें किए जा रहे हैं, बस बातें किए जा रहे हैं, देखें जी उसने ये कर दिया, उसने फलाने ने कर दिया, ये ग्राउंड रियलिटी है वो कोई नहीं बयान कर रहा। ये गरीब के साथ क्या हो रहा है, ये इस मुल्क के सियासत के तमाम इदारे टूट चुके हैं मुकम्मल तौर पर। यहाँ सकरात का आलम है, यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। रिकॉर्डिंग पर असल कहानी क्या है, जो मरियम बीबी और शहबाज शरीफ अभी गए हैं $1 बिलियन के लिए, अभी शोर मच जाएगा कि जी रिजर्व बढ़ गए, मगर उसे $1 बिलियन के बदले क्या क्या देकर आए हैं और कैसे कैसे दिया है और क्या तरले डाले गए हैं उसके बारे में मालूम होने के बावजूद नहीं बयान करेंगे, नहीं बताया जाएगा। ये नहीं बताया जाएगा कि बलूचिस्तान में लोग इस बुरी तरीके से क्यों मर रहे हैं। इतनी सी खबर आ जाएगी कि कराची के बाहर मुजाहरा हुआ, कराची में प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा हुआ मिसिंग पर्सन का, पंजगोर में और मुख्तलिफ जगहों पर जुलूस निकाले गए मिसिंग पर्सन के। अगर ये मीडिया थोड़ी दिन ये जानों पे खेल लेता जो उसने कभी नहीं खेला, एक दो लोग बोलते हैं वो भी हीरो बनने के लिए बोलते हैं, दो जुमले कह के आगे बढ़ गए और उसके बाद हटो बचो वाली कहानी शुरू हो जाती है। तो देखें, असल बात यह है कि रियासत सिंक कर रही है और बहुत तेजी से सिंक कर रही है। ये जो साने भावलपुर जिसे अब कहा जा रहा है कि, और शोर पड़ा हुआ है कि जनाब पुलिस का इदारा भी नंगा हो गया और फौज का इदारा भी नंगा हो गया, भाई इनमें से कौन पहले कपड़े पहने हुए था बताए ना, कि 75 साल से कब नंगे नहीं थे? क्या पुलिस गर्दी पंजाब में आम नहीं थी? क्या आम घरों में नहीं घुस जाते हैं? क्या इसी तरह औरतों को पहले नहीं मारते रहे हैं? साने साहिवाल जिस पर आज छाने बाहुल जिस पर तहरीक इंसाफ बगले बजा रही है और ढोल पीट रही है और दिखा रही है कि ये रियासत है, साने साहिवाल इसी के दौर में हुआ था ना, इसी तहरीक इंसाफ के दौर में, और दर्जनों सैकड़ों वाकयात हुए थे ऐसे ही हटो बचो। ये मीडिया मट्टी डाला करता था, पानी डाला करता था, आग बुझाया करता था और बात आगे बढ़ जाती थी, चले जाते थे। या टंडो अलायार का वाक्या है जिसमें आम हारियों को मार दिया गया था, जिसमें बाद में एक मेजर को शायद सजाए मौत भी हुई थी। अगर वहां से हम शुरू करें तो ये रोज का काम है। यहां पर वो एक बुजुर्ग कह रहे थे मेरे शहर, मेरे वालिद साहब के दोस्तों में से हैं, तो 90 साल की उम्र इस वक्त उनकी, वो कह रहे थे कि अंग्रेज ने इस हिस्से से जाकर बहुत बड़ा जुल्म किया। जब वो मौजूद था तो जालिम नजर आता था, अब पता चला कि इस खित्ते को कंट्रोल रखने के लिए, यहाँ एक दूसरे की वहशत से बचने के लिए जरूरी है कि बाहर से ही लोग आकर यहाँ हुक्मरानी करें, तब हमारी जान बची रह सकती है, तभी हम सुकून में रह सकते हैं। वरना सदियों से इस खित्ते में, इस इलाके में यही होता रहा है कि लोग एक दूसरे को नोच के खाते रहे हैं, एक दूसरे को मारते रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान से हम जैसे लोग पहले कहते थे कि अमेरिका जाएगा तो आपने सजा भुगतनी है, अमेरिका तो चला गया, अब सजा आप भुगतती है, अमेरिका रहता तो आप सुकून से रहते, आपके बॉर्डर एक बॉर्डर
मुकम्मल तौर पे नहीं, दूसरा भी प्रोटेक्टेड था अमेरिकन की वजह से। अगर आप उन्हें उंगली करते थे, उनके स्ट्रेटेजिक विड्रॉल को जिसकी कीमत आपने पे करनी है, फतेह मुबीन के नारे लगाते थे, उनका फाल करार देते थे, आज थूक लगा लगा के रो रहे हैं। ऐसे ही अंग्रेज के लिए आज बुजुर्ग ये बयान कर रहे हैं कि उसका जाना इस खत्ते के लिए एक अजाब साबित हुआ, एक मुकम्मल अजाब। तो जनाब, आप आज की दुनिया में अगर देखें, रियासत होती क्या है, 100 बार बताया होगा कि अगर आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है, रोजगार प्रोवाइड नहीं कर सकती है, आपको मेरिट पर सेहत तालीम नहीं दे सकती है, रोजगार नहीं दे सकती है, तो उस रियासत की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर 95% लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप किसी शहर में चले जाइए, जो कभी शहर होते थे वो सहराओं में तब्दील होते हुए नजर आते हैं। इतना पोल्यूशन है, इतना पोल्यूशन है, सफाई देखें, जो रियासत पानी साफ पीने के न दे सकी हो, जो सफाई न कर सकती हो, उसकी जरूरत तो कोई समझाए, उसकी वजह तो कोई समझाए कि इसका रहना ना रहना क्या प्रॉब्लम, इसमें क्या मसला क्या है कि देखें, ये पानी नहीं दे सकते आप सफाई नहीं दे सकते। यहां जो लोग घूम रहे हैं, आप यकीन करें, आप उनके चेहरे देखें, डर लगता है। खास आप नहीं समझ पाएंगे, अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में 6 महीने रहकर आए तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, यहां की तमाम जो कुरान शाफिया है या मीडिया है, इनकी अक्सरियत, इनके बच्चे, इनके खानदान और इनका अपना बेस्टर टाइम वहीं गुजरता है, मगर इन्हें यहां आके ये गंदगी चाहिए है, क्योंकि अगर ये गंदगी दूर हो गई, लोग इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, सबके चेहरे एक जैसे नजर आने लगेंगे, जो इन्हें मंजूर नहीं है। और इसी बुनियाद पर इस खित्ते में नफरतें, जेलसी और एक दूसरे से नफरत, जिसकी वजह से यहां पर इन्वेडर आते रहे, यहां हमलावर आते रहे, हुक्मरानी करते रहे, और लोग उन्हें इसी बुनियाद पर याद करते हैं कि यहां तो आपस में एक दूसरे को पता नहीं, मैं इसे जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं कह सकता क्योंकि नेचर ऐसी नहीं होती, ये एक एनवायरमेंटल कोई इशू है जो हजारों साल से इसकी कहीं पीछे बुनियाद होगी कि इस क्लास सिस्टम से लेकर मजाहब के ये रसूमात और अकीदे, फिरके, ये सारी इसकी मेजर मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम्स यहीं कहीं मौजूद है। ये एक तवील बहस तलब मौजू है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि देखें, जब तक आप लोग में अवेयरनेस नहीं आती, आप लोगों को ये नहीं पता चलता, और अवेयरनेस की क्या बुनियादी शर्त क्या है कि एजुकेशन हो। अच्छा, यहाँ ये तय हो गया है कि एजुकेशन नहीं देनी है। जो यहाँ स्कूलों के हालात हैं, जो टीचर्स के हालात हैं, ये एक अभी आपने देखा ना कैनेड कॉलेज हो उसका, ये चिंसन का, ये कशराफिया के मखसूस स्कूल कॉलेज सिस्टम बना लिए गए हैं, और लम्स यूनिवर्सिटी देकर इक्का दुक्का गरीब लोग भी होंगे, मगर वो कैसे मैनेज करते होंगे ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, कि दौलत की बुनियाद पर एक क्लास अलग हो गई है ना, और वही हुक्मरान है, उसी के सारे मफाद में और सारा कुछ। अब ये मुल्क बहुत वाजे तौर पे नजर आ रहा है ना कि एक अशराफिया का निजाम तो पूरा अशराफिया का है ना। अगर आपको इसको समझना हो तो ईद पर अगर आपने टेलीविजन देखा हो पाकिस्तानी, पहले तो ये ध्यान में रखें कि जो न्यूज चैनल होते हैं ना, ये मैगजीन नहीं होते, ये इसी मुल्क में जानबूझ के रखा गया है ना, फेस्टिविटी, इंटरटेनमेंट, ताकि आपको जो असल सूरत हाल उससे महफूज रखा जा सके, बचाया जा सके और उसका शऊर आने से रोका जा सके। तो आपने अगर ये टेलीविजन देखा हो ईद के मौके पर कि खाने जो दिखाए जा रहे थे, फेस्टिविटीज और इंटरटेनमेंट, अशराफिया एक वही सियासतदान, वही मेगा सुपरस्टार मुल्क के, और ताजर कारोबारी, कहीं आपने वो 95% गरीब आदमी भी देखा जिसने ईद के कपड़े भी नहीं पहने, जिसने सेवैया की शक्ल भी नहीं देखी होगी, जिसने बिरयानी और पुलाव के क्या खुशबू भी नहीं सूंघी होगी। और अब तो सोशल मीडिया पे जगह जगह नजर आ रहा है ना, अच्छा सोशल मीडिया पे ये बताते चलूं कि 2 दिन तक तो मेरा ट्विटर समझ में नहीं आके दे रहा था कि मैं कहीं ये ट्विटर मेरा क्यों नहीं काम कर रहा, फिर अचानक ख्याल आया कि भाई ट्विटर तो यहां बंद है, और फिर अचानक कभी कभी नोटिफिकेशन आ भी जाते हैं, खुल भी जाता है, फिर मुझे एक
सीनियर साफी दोस्त ने, पुराने दोस्त हैं जिन्हें यहाँ पर रोक लिया गया है, अमेरिकन ने, और सीक्रेट एक्ट के तहत उन्हें यहाँ पर रोका हुआ है। और नाम बता देता हूँ, समी इब्राहिम के, उनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई है, उन्हें जाने भी नहीं दिया जा रहा, उनके बच्चे अमेरिका में रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये काम नहीं कर रहा ट्विटर, करने का करेगा, VPN कोई ऐप है वो डाउनलोड कर दो, $18-19 साल के देने पड़ते हैं, तो वो आपका ट्विटर चलना शुरू हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा वो अच्छा, $18-19 देने हैं, मतलब ये कि अशराफिया के लिए ट्विटर यहाँ पे खुला हुआ है, क्योंकि $18-19 $6,000 आम आदमी दे सकते हैं साल का। तो आप ये देखें कि वो अशराफिया जो इस निज़ाम की हिमायती है या इस निज़ाम के खिलाफ है, सियासी निज़ाम के मौजूद दोनों पार्टियां पैसे वाले हैं ना, वो सब ट्विटर पे मौजूद हैं, वो सब एक दूसरे के बारे में जो गुफ्तगू कर सकते हैं, वो सब कुछ हो रहा है, जो नजर भी आ रहा है। मगर आम आदमी उसके लिए, जैसे हर घर में, हर दूसरे तीसरे घर में शराब पी जा रही है अशराफिया के, मगर आम आदमी नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, उसे यहाँ जंगी कैदी बना के रखा गया है, बंदी बना के रखा गया है कि तुम सिर्फ काम करने के लिए पैदा हो। जैसे कि ना मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि फिराउन के दौर में, पुराने इजिप्ट में इतना खाना देते थे कि बस तुम रोटी खा के जिंदा रह सको ताकि उनके काम आ सको। तो कोई फैसिलिटी आपके लिए नहीं है, अब जो बंदिशें होती हैं वो आपके लिए होती हैं, अशराफिया के पास तो उसका तोड़ मौजूद होता है। आप ट्विटर सबके लिए है, आपके लिए नहीं है। मैं भी कल तक खुलवा लूंगा, मेरे लिए तो कोई इशू नहीं है, मगर आम आदमी नहीं इस्तेमाल कर सकता। उसका गला घोटना है कि उसकी आवाज बाहर ना निकले, जो ऑलरेडी नहीं निकलती। आप, मैं अभी जो कह रहा था कि आपने जो 95% आबादी है उसे टेलीविजन पर देखा आपने, कहीं आपको कोई एक बंदा भी नजर आया? ऐसा लगता है इस मुल्क में भूख है, 43-42% लोग भूख से मर रहे हैं, यहाँ पर महंगाई 25% से अबव है, 33% है, और गोश्त मुर्गी का जो भी 2 महीने पहले तक 500-550 था, 800 रुपये किलो बिक रहा है, शक्कर जैसे शहर में 750-800 रुपये किलो का बिक रहा है। तो आम आदमी तो फारिग कर दिया गया ना, कि ये मीडिया, ये सारी एस्टेब्लिशमेंट, ये पॉलिटिकल पूरा सिस्टम, जिसे कहते हैं ना, अभी एक एंकर कह रहा था कि मेरे पीछे ये पार्लियामेंट है, अगर ये मजबूत है तो सब कुछ मजबूत है। उस पार्लियामेंट में उस एंकर से पूछा जाए कि उसमें आवाम के नुमाइंदे बैठे हुए हैं जिन्हें तू बैठ के प्रमोट करता है, जैन कुरैशी को, नफीसा शाह को, और इस तरह के ये आम लोग हैं, ये अंग्रेजों के दौर से इस गुलामी को कंटिन्यू करने वाले लोग हैं, इस अंग्रेजों के दौर से ये मराठ याफ्ता हैं। तो बात यह है कि आप लोग फारिग कर दिए गए हैं और आप लोग समझने को तैयार नहीं, और समझे भी तो कैसे समझे। लोग दुरुस्त कहते हैं यार आफाक, बच्चों की रोटी देखें, अपनी जान को देखें, अब बिजली के बिल और उन्होंने तबाह करके रख दिया है, बाहर निकलेंगे तो तुम समझते हो यहाँ कुछ बदलेगा? काश उन्हें कोई ये समझाए कि 2, 4, 6, 8, 10, 100 के 200 के निकलने से कुछ नहीं होगा। जब तक पुरमन अंदाज में लाखों की तादाद में आप बाहर नहीं आएंगे, ये निजाम ऐसा ही रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये निजाम हमेशा ऐसा ही रहेगा, हजारों साल से तो ऐसा ही है। हिंदुस्तान में हमने देख लिया ना, 75 साल की जमहूरियत के एंड पे क्या निकला? मोदी। सब वही है, वही फिरका, वही मजहब, वही वो कोई के। एक प्रोग्राम में मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे इंडिया के, कि आज हर बंदा कशका काटे हुए, लाठी पकड़े हुए, धोती बांधे हुए, राम राम करता हुआ बड़े बड़े शहरों में घूम रहा है और उसे तरक्की करार दे रहा है। तो उनकी आने वाली तरक्की के दिन भी बजाय, तो कहते हैं ना कि 7% पे रहेगी अगले साल भी, मैं नहीं समझता जो हिंदुस्तान में हो रहा है। देखिए एक खत्ता है ना, खैर असल बात यह है कि आप लोगों ने तय करना है, और मौजूद शक्ल में अगर किसी को कोई होप है तो अपने दिमाग से निकाल दें कि यहां कोई तब्दीली आएगी। मैं आखिर में एक बात और कहते चलू, मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि एक एंकर है पाकिस्तानी जो पहले अमेरिका में और यूरोप में तकरीरें करते थे कि देखें आप लोग हमारी आखिरी उम्मीद हैं, कि नेहरू, गांधी, कायदे आजम, लियाकत अली बाहर से आए थे, उन्होंने आज़ादी दिलवाई हिंदुस्तान को और खित्ते के लोगों के लिए काम किया,
تو آپ ہماری آخری امید ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی آپ لوگ لے کر آئیں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ امریکن پاکستانی، کینیڈین، آسٹریلین اور یورپین پاکستانی، ان کو کیا پرابلم ہے؟ وہ تو یہاں سے چلے گئے، بھاگ گئے، جنہیں بھگوڑا کہتے ہیں نا. ہمیں اپنے کام سے کام کریں، ہمارے معاملات میں کیوں مداخلت کرتے ہیں؟ ہاں آپ کو $30 بلین دینے کے لیے ہیں ہم، ہم آپ کو کاسمیٹک لا کر دینے کے لیے ہیں، کمپیوٹر لانے کے دینے کے لیے ہیں، ٹائیں لا کر دینے کے لیے ہیں، اور آپ کے جو دورے ہوتے ہیں انہیں مینج کرنے کے لیے ہیں. اللہ بھلا کرے آپ کو وہاں سے پیسے کما کر دینے کے لیے ہیں چلتے ہوئے، اور آپ کے لیے تقریبات کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ ہمارا تو کوئی یہاں ہے ہی نہیں، نہ ہماری قبریں ہیں، نہ ہمارے بہن بھائی ہیں، نہ ہمارے دوست ہیں، نہ رشتہ دار ہیں، بس ہم تو چلے گئے، بات ختم ہو گئی، اور یہاں سے جو نکل کے جا رہے ہیں، اور آپ یہاں لوٹ مار کا حصہ بنے رہے ہیں، کیونکہ اب آپ کو ڈر لگ رہا ہے، اب آپ کو ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے کہ بھانڈے پھٹنے والے ہیں. جب کہ حامد میر ابھی پروگرام میں کہہ رہا تھا نا کہ ابھی تو ججوں نے خط لکھا ہے، جب صحافی خط لکھیں گے تو دنیا میں قیامت کھڑی ہو جائے گی. میں کہہ رہا ہوں کہ اس میڈیا کا جب ڈھول کا پول پھٹے گا تب دنیا میں قیامت مچے گی کہ یہ کتنا ظالم میڈیا تھا، یہ ایک مافیا کے اوپر ایک بڑا مافیا تھا، اور یہ اسی نظام کا حصہ نہیں تھا بلکہ اس نظام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک الگ سے نظام تھا جس میں یہ سب لوگ شامل تھے. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل اس موضوع پہ مزید گفتگو کریں گے. اللہ حافظ.